हेलो दोस्तों, स्टॉक एडवाइज यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि ONGC की। तो देखेंगे इस वीडियो में हम कि कंपनी में अभी क्या चल रहा है और 5 साल में कंपनी ने कैसे रिटर्न्स दिए हैं, और आखिरी में हम देखेंगे इसमें क्या एंट्री लेवल हो सकते हैं और कहाँ पर हो सकते हैं आपके टारगेट, सब कुछ देखेंगे। लेकिन वीडियो ज़रूर पूरा देखें, चलिए शुरू करते हैं। तो अपनी प्रीवियस क्लोजिंग जो कि 127.90 रुपये के आसपास थी, शेयर उसके मुकाबले ओपन होता है, एक गैप अप ओपनिंग होती है इसमें 135 रुपये के लेवल पे। हालांकि ये यहाँ से गिरता है और 132.30 रुपये का लो बनाता है, लेकिन उसके बाद इसमें फिर से ये बढ़ना चालू करता है और एक हाई बनाता है 136.60 रुपये का। फिलहाल जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उस समय ये हल्का सा गिर के यानी कि 133.55 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। अपनी प्रीवियस क्लोजिंग के मुकाबले शेयर में लगभग 4.5% की तेज़ी है। अब हम बात करते हैं 5 दिनों में शेयर में क्या कंडीशन रही। तो 5 दिन में शेयर लगभग 6.5% के आसपास तेज रहा है। अब मैं बात करूंगा 1 महीने में शेयर में क्या कंडीशन रही। तो 1 महीने में शेयर में लगभग 0.5% की गिरावट रही है। वहीं मैं बात करूं 6 महीने की, तो 6 महीने में शेयर लगभग 20% डाउन है। ईयर टू डेट की अगर मैं बात करूं तो शेयर में 6.5% की नेगेटिव ग्रोथ देखी गई है। 1 साल की अगर मैं बात करूं तो शेयर में 18.5% की तेज़ी देखी गई है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में शेयर ने 18% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। अब आपने देखा चार्ट में कि शेयर कितना वोलेटाइल है। अब मैं बताता हूँ क्यों है। तो सबसे पहले बात करें इसमें हमारा क्या व्यू होना चाहिए। तो इसमें हमारा लॉन्ग टर्म का व्यू होना चाहिए, और ये शेयर जो वोलेटाइल है वो इस वजह से है क्योंकि क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो कम ज़्यादा होती रहती है। हालाँकि लॉन्ग टर्म में आपको ये शेयर बेनिफिट ही देगा, और फिर डिविडेंड तो आपको इसमें मिलता ही है। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की। तो 145 रुपये के लेवल पर रेजिस्टेंस है। अगर शेयर उस लेवल को तोड़ेगा तो फिर इसमें 160 रुपये तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करें अगले रेजिस्टेंस की। तो 160 रुपये के लेवल पर है, अगर शेयर उस लेवल को तोड़ेगा तो फिर इसमें 180 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब बात करें हम सपोर्ट की। तो 130 रुपये का सपोर्ट है, हालांकि ये पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था। अगर शेयर इस लेवल को तोड़ता है तो फिर इसमें 115 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे अगले सपोर्ट की। तो 115 रुपये के लेवल पे अगर शेयर इस लेवल को तोड़ेगा तो फिर इसमें 100 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।